देखिए देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार से आई कोरोना की डराने वाली तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, जिसको देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में देश महामारी से जंग लड़ने को तैयार है। ट्रेन आई, वायरस साथ लाई, भागम भाग की ये तस्वीरें बक्सर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां कामगार दूसरे राज्यों से वापस अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन जिस तरह ये भाग रहे हैं, तय है कि ये कोरोना फैलाने वाले हैं। पूरा मामला समझिए और देखिए कैसे इस एक तस्वीर से बिहार में कोरोना विस्फोट हो सकता है। दरअसल पुणे पटना एक्सप्रेस बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां आरटीपीसीआर टेस्ट की तमाम तैयारियां की गई थी, लेकिन भीड़ को रोकने का कोई प्लान महामारी में बनाई गई व्यवस्था का हिस्सा नहीं था। देखिए क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, क्या जवान, हर कोई टेस्टिंग करवाए बिना स्टेशन से भाग रहा है। इनको रोकने के लिए ना तो रेलवे की पुलिस आरपीएफ है और ना बिहार की राज्य पुलिस। ये हालात तब है जब बिहार में कोरोना दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से अपनी ताकत दिखा रहा है। बिहार में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 6,253 नए केस आए हैं और इस वक्त बिहार में 33,465 एक्टिव केस हैं। देश भर से कामगार लॉकडाउन के डर से वापस लौट रहे हैं। डर है कि घर घर को अपना घर बनाने वाला ये जानलेवा वायरस हर घर को अपना घर ना बना ले। ऐसी तस्वीरें गवाह है कि पूरा सिस्टम चरमरा गया है और इसके लिए हर कोई गुनहगार है। तो बिहार के बक्सर की ये तस्वीरें देख रहे थे आप। अब आप देखिए पड़ोसी राज्य झारखंड की तस्वीरें, जो कोरोना पर देश के हालात को बयां कर रही है। देखिए झारखंड के हटिया की ये तस्वीरें बोल रही हैं कि व्यवस्था चरमरा गई है, सरकारी तंत्र फेल हो गया, हालात बेकाबू हो चुके हैं। मुंबई और सूरत से दो ट्रेन झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं। लोग उतरते हैं, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर तमाम सुरक्षा और व्यवस्था यहां धरी की धरी रह गई। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ रेलवे की लापरवाही भी तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के बैरिकेड लगे हैं, आरपीएफ के कुछ जवान भी खड़े हैं। पहले तो थोड़ी सी जगह से लोग किसी तरह बाहर निकल रहे हैं, इस बीच कुछ लोगों ने दूसरी तरफ से भी निकलना शुरू कर दिया। सोचिए इतनी कम जगह से इतने कम लोगों को बाहर निकालने का क्या तुक बनता है। थोड़ी देर में वो हो गया जिसका सबसे ज्यादा डर था। लोगों की भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए और इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। करीब 2,500 लोग स्टेशन के बाहर पहुंच गए। खबर तो ये भी है कि टेस्टिंग के दौरान 25 लोग पॉजिटिव रिकॉर्ड किए गए, लेकिन वो भी भीड़ में कहीं गुम हो गए। ये सब कुछ तब हुआ है जब झारखंड में पिछले 24 घंटे में 3,843 केस रिकॉर्ड किए गए। तो बिहार और झारखंड से आ रही ये तस्वीरें वाकई भयावह है। वैसे आपको बता दें, देश में कोरोना का एपिक सेंटर महाराष्ट्र में रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और नए टूट भी रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने चेतावनी दी है कि अगर लोग नहीं सुधरे तो सरकार सख्त लॉकडाउन लगाने को मजबूर हो जाएगी। कोरोना का कहर शहर शहर में कहर, महाराष्ट्र की स्थिति भयावह है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस की स्पीड किस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, उसको इन आंकड़ों के जरिए समझिए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 63,729 नए मामले सामने आए हैं। इस बीमारी से इन 24 घंटों में 398 लोगों की जान चली गई। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना का ये नया रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र में इस वक्त 6,38,034 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र के बड़े शहरों का हाल देखेंगे तो स्थिति और भी ज्यादा भयानक नजर आएगी। पुणे में 10,963, मुंबई में 8,839 और नागपुर में 5,894 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। बढ़ते केसों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। 1 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां भी लगाई हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। बोरीवली मार्केट की इन तस्वीरों को देखकर समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि ये भीड़ कितनी बड़ी अनहोनी को बुलावा दे रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को चेतावनी देने को मजबूर होना पड़ रहा है कि याला जर व्यवस्थितपणे सगळ्यांनी प्रतिसाद दिला नाही तर नाइलाजास्तव मग शेवटी मागच्या वेळ सारखा कडक लॉकडाऊनची पाळी आणावी लागे। महाराष्ट्र से लगातार दूसरे राज्यों के कामगार वापस लौट रहे हैं, उसको देखते हुए डर है कि कहीं महाराष्ट्र जैसे हालात पूरे देश में ना हो जाएं, जहां अभी ही लगातार 2 लाख से ज्यादा केस रिकॉर्ड हो रहे हैं।
और ना केवल महाराष्ट्र बल्कि दिल्ली में भी संक्रमण की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं और जो नियमों का उल्लंघन करेंगे अब उनको दिल्ली पुलिस जेल में डालने वाली है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोई भी आदमी अपने घर से निकलेगा, किसी न किसी पिकेट या पेट्रोलिंग पार्टी से उसका मुकाबला होगा और उस समय जब तक वो ये नहीं साबित कर देता कि वो एसेंशियल सर्विसेज के लिए या एसेंशियल गुड्स के लिए वो जा रहा है तब तक उसको जाने नहीं दिया जाएगा और ऐसे में वायलेशन के लिए उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है, केस भी रजिस्टर किया जाएगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव को यह चेतावनी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि लोगों की लापरवाही से कोरोना दिल्ली में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। शुक्रवार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 19,486 केस सामने आए, 141 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है, हालांकि 12,649 लोग रिकवर भी हुए हैं। संक्रमण और न बढ़े इसलिए दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया जो सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू होगा। हम लगातार कोरोना पर आपको अपडेट दे रहे हैं, आपके राज्य की स्थिति बता रहे हैं और वजह आपको डराना नहीं बल्कि आपको चेताना है। यूपी में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में कैसे हो गया है कोरोना बेकाबू, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आनंद विहार बस टर्मिनल, यहाँ से बसें दिल्ली से यूपी के कई बड़े शहरों में जाती हैं। यूपी में रविवार को लॉकडाउन लगेगा और दिल्ली में कल रात से वीकेंड लॉकडाउन लग गया है। ऐसे में दिल्ली से यूपी अपने अपने घरों की तरफ कामगार निकल गए। यूपी में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 27,426 नए केस आए हैं जबकि 103 लोगों की मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 6,598 केस, वाराणसी में 2,344 केस, प्रयागराज में 1,758 केस और कानपुर में 1,403 केस दर्ज किए गए। यूपी कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और जिस तरह महाराष्ट्र और दिल्ली से लगातार कामगार यूपी पहुंच रहे हैं उससे ये रफ्तार कहां जाकर थमेगी इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। ABP News, आपको रखे आगे।